किसान अज प्रदर्शन करनगे और ट्रैक्टर ट्रालियों के नाल प्रदर्शन जिहड़ा वो किया जाना है केंद्र दी नीतियां के खिलाफ। साडे सहयोगी रजेश भी साडे नाल बने हुए ने। रजेश की जानकारी है किसानों के वल्लों किस तरह दी तैयारियां ने और की कुछ किसानों दी मंगा ने या फिर कह लिए कि किस तहत जिहड़ा किस विरोध के विच ये प्रदर्शन किया जाना किसानों के वल्लों। जी बिल्कुल, अज भारतीय किसान यूनियन लखोवाल वालों केंद्र सरकार वालों जो खेती ऑर्डिनेंस जारी किए गए उसके खिलाफ, MSP खत्म करने के खिलाफ, हर रोज बद रहे डीजल रेटा के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च है कढ़िया जाएगा। जो ट्रैक्टर मार्च है बरनाले दाना मंडी तो शुरू होकर DC कॉम्पलैक्स तक जाएगा। इस संबंधी बरनाला इकाई जो लखोवाल हैगी उन्हों का कहना है कि केंद्र सरकार वालों खेती ऑर्डिनेंस लिया के जो किसानों के नाल जो मजाक किया जा रहा है तो किसानों को खत्म करने का जो कोशिश है केंद्र सरकार वालों की जा रही है, उन्हों का कहना है कि इस खेती ऑर्डिनेंसा के नाल जो MSP है खत्म हो जाएगी और खेती खेती के उपर जो कारपोरेट घराने है होर जो वे उद्योगिक घराने है उन्होंने कब्जा हो जाएगा तो किसानों की लुट होगी। किसान जिस दिन किसान खुदकुशियां भी वधनिया तो किसानी कर्जे वो भी होर वधनगे। नाल ही उन्होंने भी कहना है कि जो हर रोज डीजल के जो रेट है केंद्र सरकार है जी हर रोज वधाई तुरी जा रही है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार के जो कच्चे तेल के रेट है बहुत ज्यादा घट चुके हैं पर केंद्र सरकार डीजल रेट वधा के किसानों का जो लक तोड़ रही है क्योंकि इस समय के किसानों वालों सब तो वध जो डीजल है खेतों झोने पानी लाने वास्ते मचाया जाता है। जी जितेंद्र जी, एक चीज़ होर जाननी चाहवांगे, जिस तरह तुसीं कहा कि किसानों के वल्लों प्रदर्शन किया जाना तो कितनी गिनती दे विच किसान जिहड़े आ प्रदर्शन करनगे। जी बिल्कुल, जो बरनाला की जिला इकाई है भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दी उस वालों जो पूरा आपका जो जोर लगाया होया है कि अज जो कट्ठ है काफ़ी भरमा हो और यह भी दसाया जा रहा है कि सैकड़े की गिनती दे विच किसान अपने ट्रैक्टर लैके इस मार्च के शामिल हो रहे हैं। जी जितेंद्र, पर एक चीज़ होर भी है रजेश, जिस तरह धारा 144 लगाई गई है और कोरोना महामारी के दौरान कि वह हदायतों भी जड़ियाँ उन्हों का भी पालन नाल दी नाल करनगे या उन्हों के वालों किस तरह की रणनीति बनाई गई है कि एक दूसरे के संपर्क के भी घाट आन और दूरी जी बना के रखी जाए। जी बिल्कुल, इस संबंधी BK जो लखोवाल के जिला प्रधान का कहना है कि इस संबंधी जो दिशा निर्देश है सारे पहले किसानों दिए जा चुके हैं कि सारे किसान है जो मास्क लगा के ही जो ट्रैक्टर मार्च के आएंगे और समाजिक दूरी हैगी उसका ख्याल है जो पूरा रखा जाएगा। ना ही उन्होंने पंजाब सरकार से जिला प्रशासन भी चेतावनी दी है कि अगर धारा 144 के नाम से उन्होंने संघर्ष है उसको तार पीड़ो करने की कोशिश की गई तो उन्होंने वालों संघर्ष है होर भी तिखा किया जाएगा। जी जितेंद्र जी, रजेश तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। किसानों के वलों ये प्रदर्शन किया जाना है और केंद्र सरकार के वलों जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए उसके खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे किसान। उस तो अलावा जेकर आम आदमी पार्टी की गल करिए उसने भी इस प्रदर्शन के शामिल होने की गल कही है। सूबा प्रधान भगवंत मान ने ऐलान किया खेती अते किसान विरोधी ऑर्डिनेंसा का विरोध करांगे, मोदी सरकार दीयां नीतियां का हर फ्रंट से विरोध किया जाएगा। जिते किसान एक पासे केंद्र दीयां नीतियां के खिलाफ प्रदर्शन करनगे तो उत्ते ही उन्हां दे हक दे विच आम आदमी पार्टी भी नित रही है। आम आदमी पार्टी वालों भी किसानों के हक दे विच प्रदर्शन करन दी गल कही जा रही है। सूबा प्रधान भगवंत मान ने ऐलान किया कि किसान विरोधी जो ऑर्डिनेंस ने और खेती विरोधी जो ऑर्डिनेंस ने उन्हां दा विरोध करांगे और किसानों के नाल डट के खड़ांगे। केंद्र सरकार दीयां नीतियां के खिलाफ अज किसान थां थां ते प्रदर्शन करनगे। उधर आम आदमी पार्टी वालों भी इस प्रदर्शन का समर्थन करने की गल कही गई है। श्रोमणी अकाली दल भी किसानों के हक के विच नितरिया। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल का बयान सामने आया जिस दे विच उन्होंने कहा कि जे केंद्र तक जाने की लोड़ पई तो अकाली दल किसानों के नाल केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री तक पहुँच करेगा, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल मुलाकात भी करेगा। श्रोमणी अकाली दल के वलों भी किसानों के हक की गल कही जा रही है, किसानों के समर्थन की गल कही जा रही है। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जे केंद्र तक जाने की लोड़ भी पई तो अकाली दल किसानों के नाल जाएगा और केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री के नाल मुलाकात करेगा।